एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं इस समय जंतर मंतर पर। ये जो आप काफिला देख रहे हैं, ये काफिला बर्मा के अंदर हो रहे कत्ले आम को रोकने के लिए ये समस्त मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ अपील करने आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करने आए हैं कि जो बर्मा के अंदर जो कत्ले आम चल रहा है उसको रोकने के लिए अपनी गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अजीम खान है। सर आप जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है, किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो बर्मा के अंदर जो घटना घटित हो रही है उस बात को लेकर ये एक अवामी इजलास है, उसके अंदर हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारा जो इरादा था वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने का था, पार्लियामेंट मार्च था ये, एक्चुअली इसका नाम ही पार्लियामेंट मार्च रखा गया था। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मतलब होने का खतरा या किसी तरह की कोई बात पुलिस को लगी तो पुलिस ने हमसे इधर जाने के लिए जंतर मंतर आने को कहा, तो हम लोग जंतर मंतर को आ गए हैं। जी, आपने अनुशासन का पालन करा पुलिस को देखते हुए? जी ये जी। तो हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक संविधान को शहरी नागरिक हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन का पालन करें और जो एक जिम्मेदारी वाली बात है उसका एहसास करें। खान साहब, क्या बर्मा के अंदर जो इस तरीके का जो कत्लेआम हो रहा है इसको हम किस दृष्टि से देखें, क्या कारण इस तरीके का जो हो रहा है? देखिए, इसका कारण सीधा सीधा ये है कि उन लोगों ने एक माइनॉरिटी तबके को जो मुस्लिम कमतर थे वहाँ पे उनको अपना नागरिक मानने से मना कर दिया बर्मा के अंदर। अब जब अपना शहरी मानने से मना कर दिया और उनके ऊपर जुल्म ज़ातियाँ, फिर क्योंकि वो फैसिलिटी से मिलना उनको बंद हो गई जो गवर्नमेंट से उनको मिलना चाहिए थी, तो उसके बाद वो जुल्म ज़ाती की इंतहा ऐसी हो गई है कि बच्चों को, औरतों को, मतलब ये समझिए कि एक मर्डर होता है लेकिन ये इंसानियत का मर्डर कर रहा है। मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए इतनी बुरी तरीके से। मतलब उसके वीडियोस टेप आ रहे हैं मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं उसके अंदर और ये हम लोग उसके अंदर आए। एक कम्युनिटी के साथ ज़्यादा तो हो रहा है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन ये कह देना कि ये मजहबी रंग है तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। उसकी वजह है कि वहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस की भी खबर हमारे पास आई है और कुछ हिंदू भाइयों की भी खबर आई, तो ये बात हमारे पास आई है तो हम इसको मजहबी रंग, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी के साथ पक्षपात ज़रूर होगा। तो सर आपकी भारत सरकार से क्या मांगे हैं? भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी मुसलमान यहाँ पे म्यांमार के या जो भी शरणार्थी यहाँ पे आए हुए हैं उनको यहाँ पे शरणार्थी का एक तो दर्जा प्रॉपर देना उनको चाहिए, जैसे फैसिलिटीज़ बौद्धिस्ट को यहाँ मिल रही है, जैसे यहाँ सरदारों को मिल रही है, राजस्थानी हिंदुओं को मिल रही है, अफगानिस्तान से आए हुए, तो उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ऐसे ही वो फैसिलिटीज़ के हकदार हैं और उनको ये हक है क्योंकि उन लोगों ने हमारे यहाँ शरण ली है, उन लोगों ने प्रोटेक्शन हमारे यहाँ ली है और ये हमारे यहाँ का जो आर्टिकल 49 के अंदर ये वाली बात लिखी 14 के अंदर सॉरी बात लिखी हुई भी है और कि कोई अगर आपके यहाँ शरण लेता है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। यहाँ पे बाकायदा पर्डिशंस लगनी शुरू हो गई हैं कि साहब ये आतंकवादी हैं, ये बर्मीज़ हैं, ये मुस्लिम्स हैं, तो ये बातें तो डिस्क्रिमिनेशन को ही शो करती हैं।